अगर आपने ईयरफोन्स नहीं पहने तो पहन लीजिए, नहीं तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खतरनाक वायरस के बारे में जो कि इंडिया से हट चुका है, भाग चुका है। और उस पे टिकटॉकर्स की कांड चल रही है। तो देखो गैस, मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गैस। मेरे प्रोफाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गैस। नहीं, आपको ये देख के यही लग रहा होगा कि ये सच्ची के आंसू है, लेकिन नहीं, आप गलत जा रहे हैं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है, तो देखिए गाइस, मैं कल रात से ये सब न्यूज़ सुन रही हूँ। और एक सेकेंड, गाइस मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। मेरे प्रोफाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फिर उसके बाद इन्हें यूट्यूब पे फॉलो करें। यूट्यूब तुम्हारे ताऊ का बेटा लगता है ना, यूट्यूब है, बताना जरा। दौड़े चले आ रहे हैं, तब तो बहुत गालियां दी जा रही। नहीं, अब क्या हो गया, नहीं बताओ। और एक तो उससे भी गदर, देखिए न्यूज चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है, एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो ये मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर, तो वॉट इज दिस। नहीं, अगर थोड़ा सा पढ़ लेती तो क्या जाता। मतलब चाइनीज बर्तन अगर इनके घर में है तो वो फेंक के, यार कहां से आते हैं यार ऐसे लोग, कहां से। पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, बात सुनिए आप इनकी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी भैया, कितनी दीदियों को लाए हम, कितनी दीदियां लाए, रियाज दीदी, आमिर दीदी, कितनी दीदियां, हाँ नहीं समझे का, समझाए ढंग से। तो सुनो, एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की बात हो रही है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी हो, आप उस पर यूज करके बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। ये रही पहली बात। और दूसरी बात ये कि यार ये क्या खटबकचोदी चल रही है, बहनचोद है, फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। नहीं मतलब टिकटॉक बैन हो गया तो यूथ जो है वो फॉरेन चला जाएगा, फॉरेन। तो जिसका भी ऐसा ख्याल है या कोई भी ऐसा सोचता है तो उसके लिए मेरे पास बड़े ही सुनहरे शब्द हैं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। अरे भाव क्या बात है, आपने तो मेरी बन की बात कह दी, क्या बात है। अब आप देखिए आगे कैसे कैसे गुल खिलाए इन्होंने। यार ये तो बहुत गलत बात है, हम टिकटॉक पर फेमस क्या होने लगे, टिकटॉक बैन होने वाला है। तुम हमें तो ना मनुष्य समझ रहे भाई, हम मनुष्य नहीं है, बता रही हूँ पहले ही, हम मनुष्य ना है। वो कोरोना की वजह से बैन हो रहा है। यार इनसे मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि तुम कौन सा नशा करके आते हो, इतना खतरनाक तो चरस गांजा भी नहीं होता। नहीं मतलब कोरोना ने क्या बिगाड़ लिया यार, टिकटॉक कोरोना क्या है यार, मैं जा रहा हूं यार। एक बारी दस दे जरा, दिल वाले पूछ दे नहीं जा। ची 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 ची, हट। अब बस
यही देखना बाकी रह गया था। तो अब देखो मेरा मूड तो बहुत खराब हो चुका है और आपको पता ही है टिकटॉकर्स कैसे हैं, तो मैं और नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा ना जी ना, ठीक है। तो देखो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक करना, उस पर भी अगर तुम लाइक करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको शेयर करो या एक्सपोर्ट करो मुझे नहीं पता, कर देना बस। और अगर तुम नए हो तो नीचे लाल रंग का बटन है जिसका नाम है सब्सक्राइब, उसके साथ तुम टिकटॉक फूको या फिर गांजा मुझे नहीं पता, बस वो दब जाना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। बंद होने के बाद क्या करने वाले हैं आप? भाई साहब पूरी तैयारी कर लिए, चार रेड़िया ले लिए, गन्ने का जो धना धन बेचना है इस गर्मियों में, अपना तो पक्का हो गया। और लंडो का समझ नहीं आ रहा है, वो फैजुल मंजुल और उन्हें बहुत आठ बहुत आठ बहुत आठ, और वो लौंडा नहीं दिखाई दे रहा, उसकी बड़ी टेंशन है। इसराइल और सागर लौंडे पता नहीं क्या कर। अब रोहित मत रो भाई, मत रो, टिकटॉक गया कोई बात नहीं, साथ में बैठ के गांजा फूंकते हैं, चल। यो 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 चरस रंगिया मेरे को प्यारा, चरस रंगिया।